हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे आप घर पे अपने आईब्रोज, अपने फॉरहेड और अपने अपर लिप को आप लोग कैसे थ्रेडिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सुई धागा वाला धागा। चलिए देखते हैं। ये जो धागा है, इस धागे को हम लोग अपने एल्बो के शेप तक ले लेंगे, इतना, बस इतना सा। देन इसको यहाँ पे बांध देंगे, इसको अच्छे से ऐसे बांध दीजिए। देखिए, इसको इतने एल्बो तक लीजिए, देन इसको ऐसे बांध लीजिए। जहाँ पे हम लोगों ने इसको बांधा है, ये हाथ के इस साइड में रहना है और इसको ट्विस्ट करते रहिए ऐसे। आप इसको 8, 9, 10 बार ट्विस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, देन इसको ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए। देखिए, देखिए ऐसे। अब मैं कैमरे के पास आ जाती हूँ। अपने फिंगर से इसको अच्छे से ऐसे शेप कर लीजिए, देन ऐसे। अगर आपको इस साइड का वाला करना है बालों को इसके अंदर ऐसे फंसा लीजिए, ऐसे डाल के इसको ऐसे फंसा लीजिए, इसको ट्विस्ट कीजिए, देन इसको ओपन कर दीजिए, ऐसे ओपन। इसको ऐसे बड़ा कीजिए, बालों को इसके अंदर फंसा लीजिए, देन इसको अप, ऐसे आप करते जाइए। सेम वे पे फिर से आप अपने फिंगर से इसको शेप कर लीजिए, थोड़ा सा आईब्रो को ऐसे ऊपर उठा लीजिए, मैं इसको 10-12 साल से फॉलो कर रही हूँ, एकदम पेन नहीं होता। जब आप इस साइड का करोगे तो इसको ऐसे फंसा के इस हाथ से इसको ओपन, ऐसे फंसा के इसको ओपन। ये नीचे का वाला जब करेंगे आप, आईब्रो को थोड़ा ऐसे ऊपर उठा लीजिए, देन इसको इसको इसके अंदर फंसा लीजिए अपने बालों को और ट्विस्ट। अगर आपको पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं आता। इसी वजह से आप अपने फोरहेड को भी थ्रेड कर सकते हो बहुत ही आसानी। इसको ऐसे किया, आईब्रो को केयरफुली करना होता है, लेकिन फोरहेड आप रफली भी कर सकते हो इससे। अगर आपके पास फ्रीक्वेंटली पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो आप घर पे कर सकते हो। मैं तो मुझे तो सालों साल हो गया कि मैं फोरहेड और अपर लिप में घर पे ही करती हूँ, पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं होता। ठीक इसी तरह आप अपने अपर लिप को भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा लूज पाउडर आप इस पर लगा लीजिए। देन आपके टांग को ऐसे
सिर्फ इसको अगर डालना है, उसको ओपन करना है इसे। एक ही दो बार करने के बाद आपको आदत हो जाएगी। देखा कितना इजी है। इसके बाद हम लोग इसको फिंगर से फिर ऐसे शेप कर लेंगे। देन जो यहाँ का सामने का वाला है उसको ऐसे धीरे धीरे कट कर लेंगे। देखा कितना इजी है। ये आपका हो गया। अगर आपका नीचे का वाला पोर्शन ज़्यादा लूज है, किसी किसी का क्या होता है, यहाँ का जो स्किन होता है बहुत ही हल्का होता है, पतला होता है, वो लोग थ्रेडिंग का इस्तेमाल मत कीजिए घर पे। ऊपर का वाला कर लीजिए और नीचे का वाला पार्लर में जाके ही करिए। लेकिन जो बाकी थोड़ा बचा रहेगा वो हम लोग फोर्सेप्स से निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा जो रह जाएगा उसको हम लोग फोर्सेप्स से धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है इसको करना घर पे, ट्राई करके देखिए आप लोग। हम लोग जब पार्लर से थ्रेडिंग करके आते हैं 7 या 10 दिन के बाद ही थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है, तब आप घर पे भी इसको कर सकते हो। तो देखा कितना इजी है। लेकिन आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है उसको लेके थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। सी इट्स डन। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।